कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गो सीतासमारो पीतवामभागम् पाणो महासा यकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् श्रीजानकी जी बनरामचंद्र निशाचरारे भरताग्रजेश जिहवे पिबस्वा अमृतमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति लीला मनुष्या कृतिराम रूप प्रतापदासी कृत सर्वभूप जिहवे पिबस्वा अमृतमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा अमृतमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनव रघुबर विमल यश जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जान
सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार। मनोजवं मा रुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं धीमतांबरीष्ठं वादात्मजं वा नरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्री राम कथा के इस तीसरे सत्र में हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले सत्र में हमने सुना कि एक क्रौंच पक्षी का विचरण देखकर जिस प्रकार से वाल्मीकि जी के हृदय में शोक उत्पन्न हुआ और वही शोक एक श्लोक के रूप में उनके मुख से प्रकट हुआ और ये इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वप्रथम श्लोक है और इसी श्लोक के अंतर्गत संपूर्ण रामायण है। यदि हम कहें कि ये रामायण का बीज रूप श्लोक है, सूत्र रूप श्लोक है, तो कल हमने इस श्लोक का एक अर्थ देखा था कि वाल्मीकि जी ने उस निषाद राज को श्राप दिया, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गागम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुम्हें कभी यश प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें कभी शांति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये जो काम से मोहित थे, क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा था जो काम से मोहित था, तुमने उसका वध कर दिया है, इसलिए तुम कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हो। फिर जब वो अपने आश्रम पर वापस आए और इस श्लोक पर जब चिंतन कर रहे थे, ब्रह्मा जी का जब कुछ ज्ञान इसको प्राप्त हुआ, तो इसी श्लोक पर विचार करते करते वाल्मीकि जी ने सोचा कि मैंने कहा एक शिकारी को तुम्हें कभी यश प्राप्त नहीं होगा। तो यह सोचने वाली बात है कि शिकारी का तो वैसे भी कोई यश नहीं होता है, तो इसको क्यों यश प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इस श्लोक का दूसरा अर्थ भी बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए हमारे आचार्य गण कहते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम। मां का एक अर्थ होता है लक्ष्मी जी और निषाद प्रतिष्ठां का अर्थ होता है जहां वो वास करती है, यानी कि लक्ष्मी जी जहां पर वास करती है वो है भगवान नारायण। भगवान नारायण के हृदय में लक्ष्मी जी का वास है और इसलिए ये कथा जो है यह शाश्वत है। और क्रौंच का यहां पर उपमा दिया गया है रावण के साथ, क्रौंच शब्द जो है रावण के साथ है और
उसका अवधि वध कर दिया भगवान राम ने। क्यों वध किया है? तो कहते काम मोहितम, ये काम से मोहित था और काम से मोहित होकर खूब पाप में लगा था, इसलिए भगवान ने इसका वध कर दिया। तो इसमें से इस प्रकार से एक कथा निकलती। अब इसका हम और एक अर्थ देखें भगवान राम के संदर्भ में, तो यहां मां निषाद, यहां निषाद को कहा गया है रावण। प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठाम का अर्थ होता है कि उनका कभी यश नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीता का हरण किया है। कैसे कहते हैं, यहां पर क्रौंच का अर्थ लिया जाएगा सीता जी और राम जी के लिए। काम मोहितम, ये काम से मोहित जो रावण था उसने माता सीता का हरण कर लिया। तो ये और एक अर्थ है। ये अर्थ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि रामायण का कोई भी प्रसंग यदि इस श्लोक को केंद्र में रखकर यदि विचार किया जाएगा तो ये श्लोक का अर्थ जो है उसमें फिट बैठ जाएगा। इसलिए इस श्लोक को रामायण का बीज श्लोक कहा गया है। तो ब्रह्मा जी ने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया था कि नारद मुनि से, जब तुम कथा श्रवण करोगे तब तुम्हें वास्तविक इस श्लोक का जो अर्थ है ये पता चलेगा। तो वाल्मीकि जी जब इस श्लोक के अर्थ पर विचार कर रहे थे तो उसी समय नारद मुनि वहाँ पर उपस्थित हुए। और हम जानते हैं कि जब तक नारद मुनि नहीं आते हैं कोई कथा का आरंभ नहीं हो सकता है। तो नारद मुनि जब वहाँ पर आए और नारद मुनि ने आकर जो कुछ प्रश्न वहाँ पर उपस्थित किए हैं, और वो प्रश्न क्या थे, तो प्रश्न कहते हैं कोन्व अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रत चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चेक प्रियदर्शन आत्मवान् को जित क्रोधो द्युतिमान् को अनसूयक कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। तो ये जो श्लोक है इतने श्लोकों में कुल 16 प्रश्न पूछे गए हैं, और उन 16 प्रश्न में यदि विचार किया जाए, जो संस्कृत में है 16 प्रश्न, इन 16 प्रश्नों का उत्तर हम लोग जानते हैं कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर है राम। ये प्रश्न बहुत समझने लायक है। प्रश्न पूछा गया है कौन अस्मिन, मतलब इस समय वर्तमान समय में ऐसा कौन व्यक्ति है जिनमें ये 16 गुण जो है, ये 16 के 16 प्रकार के गुण उस व्यक्ति में हो। इससे हमें पता चलता है कि रामायण जो है ये भगवान राम के आने से पहले नहीं लिखी गई है, ये भगवान राम के राज्याभिषेक होने के बाद लिखी गई है। क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है ना कौन अस्मिन, मतलब इस समय ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें ये सारे गुण है। यदि उसका उत्तर राम है तो इसका अर्थ ये होता है कि भगवान राम जब लाइव थे इस पृथ्वी पर तब वाल्मीकि जी ने ये रामायण लिखना शुरू किया था। इसका एक प्रमाण हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। स्वयं वाल्मीकि जी लिखते हैं प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि ही चकार चरितम कृत्स्नम विचित्र पदम अर्थवत 4.1 वाल्मीकि रामायण में, कि भगवान राम जब वनवास से वापस आए और उन्होंने जब राज्य शासन अपने हाथ में लिया, उसके बाद जो भगवान वाल्मीकि है, यहाँ पर उनको भगवान संबोधन दिया गया है, भगवान ऋषि ही, तो ये भगवान वाल्मीकि ने राम जी के जीवन के आधार पर उन्होंने विचित्र पद और अर्थ से युक्त ये रामायण नामक महाकाव्य का निर्माण किया।
और ये रामायण कब लिखी गई है? तो कहते हैं उस समय लिखी गई है जब सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में थी, और सीता जी जब वहां पर थे तो बहुत सुंदर एक अवसर मिला वाल्मीकि जी को कि जिनके विषय में लिखना है उनमें से एक पात्र तो उनके आश्रम में है उनके साथ। तो पूरा दिन वाल्मीकि जी सीता जी को राम कथा सुनाते थे, ये जो भी लिखते जाते थे वो सीता जी को सुनाते थे, और रात को वो फिर से आगे की कथा लिखना आरंभ करते थे। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और भी है कि वाल्मीकि जी जब राम कथा लिख रहे थे तो उसी रात्रि के समय हनुमान जी महाराज भी वहाँ पर उपस्थित होते थे, और ये जो वाल्मीकि जी के द्वारा राम कथा लिखी जाती थी इस कथा का एडिटिंग हनुमान जी महाराज करते थे। तो वाल्मीकि जी प्रतिदिन अपनी लिखी हुई राम कथा हनुमान जी को दिखाते थे। तो एक दिन हनुमान जी के मन में भी ये विचार हुआ कि क्यों न जब प्रतिदिन वाल्मीकि जी का ये कथा मैं देख रहा हूं तो मैंने भी एक राम कथा लिखी है और मैं भी इस राम कथा को दिखाऊंगा वाल्मीकि जी को। तो एक रात्रि को हनुमान जी महाराज अपनी जो लिखी हुई राम कथा है उस कथा को लेकर आए और वाल्मीकि जी को दिखाए, हालांकि वो ग्रंथ के रूप में नहीं थी। अब हनुमान जी हम जानते हैं वानर के रूप में है, तो हनुमान जी का जो तीक्ष्ण नाखून था वो नाखून से हनुमान जी ने बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर ये राम कथा लिखी थी। तो वाल्मीकि जी को लेकर गए वहां पर और वाल्मीकि जी को बताया कि देखिए ये मैंने लिखी है राम कथा। अब उन कई सारी शिलाएं थी जिन पर हनुमान जी ने वो श्लोक लिखे थे, और वाल्मीकि जी ने जब पढ़ा तो उन्हें बहुत अफसोस होने लगा। और क्या अफसोस हुआ? अफसोस ये हुआ कि यदि इतनी सुंदर राम कथा हनुमान जी के द्वारा लिखी गई है तो अब मेरी कथा कौन सुनेगा, मेरी कथा की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, अरे मेरी रामायण की और कोई देखेगा भी नहीं। तो हनुमान जी उनकी परेशानी जब उनके चेहरे पर देखे तो हनुमान जी ने पूछा कि वाल्मीकि जी कोई कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है? तब उन्होंने कहा कि हनुमान जी आपने इतनी सुंदर राम कथा लिखी है, अब आपकी इस कथा को पढ़ने के बाद हमारी राम कथा कौन देखेगा? तो हनुमान जी ने कहा बस इतनी सी बात है। तो उन्होंने क्या किया, अपने द्वारा लिखी हुई वो जो राम कथा है, वो जो शिलाएं थी जितनी भी, वो सारी शिलाएं उठाकर हनुमान जी ने समुद्र में फेंक दी और वाल्मीकि जी से कहा कि वाल्मीकि जी अब तो हमारी रामायण नहीं रही है, अब आपकी रामायण ही पूरे संसार में विश्वविख्यात हो जाएगी। और कुछ समय जब व्यतीत हुआ इस घटना को, त्रेता युग जा चुका था, द्वापर युग भी चला गया, और कलयुग में एक राजा हुए जिसका नाम था विक्रमादित्य, जिसको कोई कोई उसे राजा भोज भी कहते हैं। तो विक्रमादित्य को जब ये प्रसंग पता चला कि हनुमान जी ने उन शिलाओं को समुद्र में फेंक दिया है, तो उन्होंने जाकर उन समुद्र से खोज करवाया और कुछ शिला उसमें से हाथ लगी। ये तो कहीं उल्लेख नहीं है कि सारी की सारी जो शिला हनुमान जी महाराज ने फेंकी थी वो मिली, लेकिन उनमें से कुछ कुछ शिलाएं राजा विक्रमादित्य को हाथ में लगी, कुछ श्लोक उनको मिले, और फिर उन्होंने उन शिलाओं पर लिखे गए उन श्लोकों को एक ग्रंथ का रूप दिया, और ये ग्रंथ आज भी उपलब्ध है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उस ग्रंथ का नाम है हनुमान नाटकम। ये गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है, तो ये वही है जो हनुमान जी महाराज के द्वारा लिखा गया था। तो खैर इस प्रकार से वाल्मीकि जी की ये जो रामायण है, ये रामायण खूब प्रसिद्ध हो गई, और हनुमान जी महाराज को भी मन में थोड़ा ऐसा लगा कि वाल्मीकि जी जैसे महान ऋषि और ऐसा विचार उनके मन में आना ये उचित नहीं है। तो वाल्मीकि जी ने जब इस प्रसंग पर विचार किया और अपनी रामायण जब संसार में प्रकटित होने का निश्चित हो चुका तब वो तो परम प्रसन्न हो गए, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि वाल्मीकि जी
एक ऋषि होकर ऐसा विचार कि मेरी राम कथा से सहमत न होना, या थोड़ा जो भी दोषपूर्ण विचार था उसके मन में, इसी का प्रायश्चित करने के लिए आपको कलयुग में प्रकट होना पड़ेगा और फिर से आप एक और राम कथा का निर्माण करेंगे। तो यही जो वाल्मीकि जी है वो तुलसीदास जी के रूप में कलयुग में प्रकट हुए, और तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर उन्होंने एक सुंदर राम कथा जो रामचरित मानस के नाम से प्रसिद्ध है, रामचरित मानस का निर्माण किया। तो कई बार भक्त लोग प्रश्न करते हैं ना, तुलसीदास जी कौन है? भविष्य पुराण में लिखा गया है, वाल्मीकि तुलसीदास कलो देवे भविष्यति। ये वाल्मीकि जी जो है वही कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होंगे। रामचंद्रम कथामेताम भाषाबद्धाम करिष्यसि। और वो प्रकट होकर क्या करेंगे? प्राकृत भाषा में भगवान राम की कथा का निर्माण करेंगे। जैसे वाल्मीकि जी ने जो राम कथा लिखी वो संस्कृत में है, और जो कथा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई ये कथा अवधी भाषा में है, यानी हमारी भारत की जो प्राकृतिक भाषा है उसमें लिखी गई है। तो इस प्रकार से हमें ये संशय नहीं होना चाहिए भक्तों को कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई जो राम कथा है ये प्रमाणित नहीं है। बिल्कुल प्रमाणित है, क्योंकि वो स्वयं वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे वो जो 16 प्रश्न कि इस समय ऐसा कौन है इस लोक में। देखिए, बहुत लॉजिकल प्रश्न है ये, क्योंकि एक बौद्धिक व्यक्ति जो होता है वही ऐसा प्रश्न कर सकता है, और बौद्धिक बनना है हमें, लेकिन अपने अहंकार और अपनी प्रतिष्ठा के पोषण के लिए नहीं। हमें बौद्धिक बनना है लेकिन भगवान को समझने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है और कई लोग अनुभव भी करते हैं कि जब कोई वक्ता प्रवचन करता है तो ज्यादातर उनके मन में ये भाव रहता है कि हम कुछ ऐसी चीज बोले, कुछ ऐसी बातें बोले जो किसी व्यक्ति को पता नहीं है, जो कोई नहीं जानता है, और जब हम ऐसी बात बोलेंगे तो लोगों को लगे अरे ये कितने महान वक्ता है, देखो इसे कितना नॉलेज है, ये कितना जानते हैं। और ऐसे जब जो श्रोता प्रशंसा करते हैं, ऐसी प्रशंसा के लिए यदि कोई व्यक्ति बौद्धिक बनना चाहता है या अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहता है तो इस बात को हमारा शास्त्र स्वीकार नहीं करता है। देखो, नॉलेज इकट्ठा करना ये कोई बुद्धिमता नहीं होती है। ज्ञान तो इस संसार में सब जगह है, कहीं से भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बुद्धिमान हैं। ज्यादा नॉलेज होने का अर्थ ये नहीं होता है कि बुद्धिमान है। देखो, कोई व्यक्ति पूरा वेद जानता है, लेकिन पूरा वेद जानने के बाद भी यदि वह भजन नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, तो उसके वेद जानने का कोई अर्थ नहीं होता है। हालांकि उसको पता है पूरा वेद, लेकिन उन वेदों का सार जो भक्ति है ये नहीं जानता है, तो इस सब का क्या मतलब है? क्या स्वीकार करना चाहिए, क्या स्वीकार नहीं करना चाहिए, इस भेद को परखने की जो बुद्धि होती है, जिनको विवेक कहा गया है, ये विवेक होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शास्त्र नहीं जानता है, लेकिन उनको इतना पता है कि भगवान का नाम जपने से ही कलयुग में जीव का उद्धार होता है, और इतना समझकर यदि वह भगवान का नाम जप कर रहा है तो ये बुद्धिमान व्यक्ति है। भले उसको संस्कृत नहीं आता है, श्लोक नहीं आते हैं, ज्यादा सुंदर कथा बोलनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी इसे बुद्धिमान माना जाए। क्यों? क्योंकि ये सार को ग्रहण करता है। तो यहां पर कई बार हम एग्जाम्पल सुने हैं हंस और दूध का। यदि हंस को दूध और पानी मिक्स करके दिया जाए तो भी उसमें से वो दूध ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति को गुणवान होना जरूरी है। तो पहला प्रश्न है कि इस संसार में, अभी के समय में, इस लोक में गुणवान व्यक्ति कौन है? अब ये प्रश्न क्यों पूछा गया है? गुणवान मतलब जिसमें जो क्वालिटी होती है उसे गुणवान कहा जाता है। क्वालिटी होता है मतलब गुण। तो जो व्यक्ति
आहार निद्रा भय और मैथुन के पीछे नहीं भागता है उसको गुणवान माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि ये जो आहार निद्रा भय मैथुन है यही जीवात्माओं को फंसाने वाला है। जितना इसको ज्यादा लेवल पर ले जाएंगे उतना ही हमारा बंधन जो है दृढ़ होता जाएगा, और जितना इसको कम करेंगे उतना ही इस संसार में हम सुखी हो सकते हैं। कभी आपने ऐसा न्यूज़ सुना है कि आज भूख के कारण सांप की मृत्यु हो गई, या भूख के कारण मच्छर जो है वो मर गए? यहाँ पर तो देखा जाता है लोग खा खा कर मर रहे हैं। इतना मीठा खाते फिर कहते डायबिटीज हो गया, और डायबिटीज जब बहुत हाई लेवल पर हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आहार की व्यवस्था एक मच्छर भी करता है, तो हमें क्या खाना है, क्या पीना है, सोना है, इस विषय में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक जो सुअर होता है उस सुअर को मल खाने में जितना आनंद आता है उतना आनंद हम लोगों को पिज्जा खाने में आता है, या तो ऐसा समझे कि हम पिज्जा में जितना आनंद लेते हैं उतना ही आनंद एक सुअर को मल खाने में आता है। सुख में कोई भेद नहीं है। देखिए, डिश अलग हो सकती है लेकिन सुख कॉमन है। जो घोड़ा होता है वह घोड़ा खड़े खड़े सो जाता है, और हम लोग बहुत सुंदर बेड बनाते हैं, उस पर एक बहुत सुंदर गादी तकिया और एयर कंडीशन लगाते हैं और सोते, हमको लगता है नहीं नहीं हम बहुत अच्छे से नींद ले रहे हैं। लेकिन हमें एसी रूम में मुलायम गद्दे पर सोने में जितना आनंद मिलता है उतना ही आनंद एक घोड़े को खड़े खड़े सोने में मिलता होता है। मैथुन का भी ऐसा ही है। ये जो चारों चीज बताई गई है सब जीवों में, पशु हो या मनुष्य हो, सब में आनंद एक समान होता है। लेकिन ये मनुष्य का जो विवेकशील जीवन है कुछ डिफरेंट है दूसरे पशुओं से। और ये क्यों मिला है हमें? ये मिला है हमारी बुद्धि के विकास के लिए। हमारी बुद्धि को इतना हायर लेवल पर ले जाना चाहिए कि जिससे हम भगवान को समझ सके, भक्ति को समझ सके। बुद्धि इसमें नहीं लगाना है कि हम इस संसार में आहार निद्रा भय को कैसे अच्छे से प्राप्त करें, ये वास्तविक बुद्धिमता नहीं है। और ये बात जिन व्यक्ति को समझ में आ जाती है उनको भजन में कोई कष्ट नहीं होता है। देखिए, कोई व्यक्ति सोचता है कि हम बहुत एक्सरसाइज करेंगे, क्यों, हमें ताकतवर बनना है। अब कितना भी एक्सरसाइज कर ले, लेकिन हाथी से ज्यादा बलवान ये नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन की जो क्वालिटी है वो क्या है? धर्मवान बनना। बलवान बनने के लिए प्रयत्न मत करिए, हमें धर्मवान बनना है। मान लीजिए एक बैल से पूछा जाए कि आप कितना चले आज, तो वो बैल कहेगा आज मैं 50 किलोमीटर चला। लेकिन वो 50 किलोमीटर चला लेकिन एक खेत को भी वो पार नहीं कर पाया है। वो चला है 50 किलोमीटर लेकिन उसी खेत में कभी उधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है। तो इसी प्रकार से कुछ लोग कहते नहीं नहीं हमने तो धर्म का बहुत पालन किया, तो कुछ आगे बढ़े तो देखेंगे नहीं वो तो उधर के उधर ही है। श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर स्टोरी बताते थे इस विषय में कि मान लीजिए कोई नदी पार करना चाहता है और नाव में बैठेगा और खूब वो चप्पू चलाता है, लेकिन सुबह देखता है कि नाव एक इंच भी नहीं हिली है। क्यों? क्योंकि लंगर निकालना भूल गया है। तो ये जो गुणवान व्यक्ति होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो थोड़ा चलते हैं लेकिन आगे बढ़ते हैं। और जो गुणवान नहीं है वो क्या करते हैं? वो चलते खूब है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए गुणवान कौन व्यक्ति है? तो ऐसे जो गुणवान व्यक्ति होते हैं जिनमें सारे गुण एकत्र है, तो हमारे सुभाषित कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति के दरवाजे पर देवता लोग भी भीख मांगते हैं। गुण का होना एक व्यक्ति में ये बहुत जरूरी है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस संसार में जिसे अभी गुणवान माना जाएगा? दूसरा प्रश्न करते हैं वीर्यवान। वीर्यवान का अर्थ होता है जो शक्तिशाली है। वीर्य का अर्थ होता है शक्ति, या इसका एक अर्थ हम ले सकते हैं कि जो पुरुषार्थी है। तो जो व्यक्ति पुरुषार्थ करते हैं वो भगवान को बहुत पसंद होते हैं। कभी कभी हम लोग भी पुरुषार्थ करते हैं
लेकिन हम अपने रस के लिए पुरुषार्थ करते हैं। देखिए, पुरुषार्थ करना चाहिए लेकिन उसमें भी विवेक होना चाहिए। जो व्यक्ति परिश्रम करेगा वो तो जीवन में आगे बढ़ेगा, और यहां परिश्रम का अर्थ मेहनत करना नहीं है। ये जो पुरुषार्थ शब्द है ये हरेक स्तर पर अलग अलग घटित होता है। आज देखिए बहुत सारे युवा जो है इस समय भ्रमित है कि वो अच्छे घर में जन्मे है, सभी सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी वो निम्न लोगों की तरह बनना चाहते हैं। ये आज के संसार में सबसे बड़ी समस्या है यार। देखिए, कुछ खास चीज यदि हमें मिली है तो भाग्य से मिलती है, और भाग्य हमने ही अपने कर्मों के द्वारा निर्मित किया है। तो जो व्यक्ति जिस स्थिति में है उसे वहां से प्रोग्रेस करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति महल में रहता है, अब वो महल में रहता है तो उसको फिर रोड पर आने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आजकल के युवाओं में यह है कि नहीं, हम लोग अपने पिताजी का कुछ नहीं लेंगे, हम खुद अपने आप बिजनेस शुरू करेंगे। अरे भाई, पिताजी का ऑलरेडी इतना बड़ा बिजनेस है तो फिर जीरो पर आने की क्या आवश्यकता है। हाँ, जिसके पास कुछ नहीं है वो यदि जीरो से आगे बढ़ता है तो एक बात ठीक है, चलो कुछ नहीं था तो जीरो से आगे बढ़ गया। लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो क्यों जीरो से शुरू करेंगे। लेकिन आज के समय में सब लोग शून्य से आगे बढ़ना, ये सब विदेशी कल्चर है। और जैसे इंग्लिश में किसी को पूछा जाए कि आर यू इन रिलेशनशिप, तो इसका सीधा अर्थ होता है अफेयर। लेकिन भारत में यदि हम संबंधों की श्रेणी देखें तो मित्र होता है, समधी होता है, इसे अलग अलग होते हैं। तो ये सांस्कृतिक भेद है, और जन्म होता है भाग्य से और भाग्य बनता है कर्म से। तो जो बलवान व्यक्ति है, तो राम के विषय में लोग कहते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, इसलिए राम सबसे शक्तिशाली है, सबसे बलवान है। क्या इसलिए राम को यहां पर बलवान माना जाता है? ये काम यदि मान लीजिए रावण को मारना था, ये तो हनुमान जी भी कर सकते थे, या तो ये काम अंगद भी कर सकते थे। लेकिन असली शक्ति क्या होती है, असली ताकत, असली बल क्या है? तो कहते हैं कि अपने माता पिता की शोभा बढ़ाने के लिए केवल उनके एक वचन पर सब कुछ त्याग करके वन में चले जाना, ये होता है बल। प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए यदि कोई व्यक्ति बलिदान करना चाहता है तो यह केवल बलवान व्यक्ति ही कर सकता है। जिसका आत्मबल स्ट्रांग होता है वही यह काम कर सकता है। देखो, शूरवीर व्यक्ति जो होते हैं ना, वास्तविक जो शूरवीर है वही दूसरों को क्षमादान दे सकते हैं। कैसे? अब किसी को क्षमा करना भी इतना तो सहज नहीं होता है, ज्यादातर लोग बदले की भावना रखते हैं। लेकिन संस्कृत सुभाषित कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम्। जो वास्तविक वीर है उसका आभूषण क्या है? क्षमादान, दूसरों को माफ कर देना, ये बल होता है। जैसे महाभारत की कथा में देखते हैं, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का जब वध किया, तो जब अर्जुन के द्वारा उसको बंदी बनाकर लाया गया तो द्रौपदी जी ने कहा कि सबसे पहले इस अश्वत्थामा को मुक्त करो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, और इसको बंदी बनाना उचित नहीं। भले मेरे 5 पुत्र का वध हो गया है लेकिन मैं इसे क्षमादान देती हूं। द्रौपदी जी ने क्षमा कर दिया। सोचिए, जिसके 5 पुत्र मारे हैं जिस व्यक्ति ने, उनको क्षमा करना, अब ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं आज के समय में। लेकिन ये काम वही कर सकते हैं जो वास्तव में वीर्यवान होते हैं। तो ये दूसरा लक्षण बताया गया है, वीर्यवान। तीसरा कहते हैं धर्मज्ञ च, जिसमें धर्म होना चाहिए। और धर्म क्या है? कल हमने एक श्लोक आप लोगों के सामने रखा था, आज पुनः उसी महाभारत के श्लोक से आगे बढ़ते हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के जो 10 लक्षण है, ये 10 लक्षण जिस व्यक्ति में घटित होते हैं ऐसे व्यक्ति को धर्मज्ञ कहा जाएगा। तो उपासना और धर्म ये दोनों अलग चीज है। ये जरूरी नहीं है
कि जो उपासक है वह धार्मिक हो, पर जो धार्मिक है वो 110% उपासक होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझें। रावण जो है ये उपासक है, यदि आप रामायण में देखेंगे राम कथा में, रावण शिव जी की उपासना करता है लेकिन ये धार्मिक नहीं है। कुछ ऐसे लुटेरे जो डाकू लोग होते वो भी उपासना करते हैं, जैसे भागवत के पंचम स्कंद में भरत महाराज को जिस डाकुओं ने पकड़ा था वो काली माता की उपासना कर रहे थे लेकिन वह धार्मिक नहीं थे, उपासक थे। तो धर्म के बाद उपासना की शोभा होती है। कोई भी उपासक के अंदर यह उपासना पद्धति तब सार्थक होगी जब उसके अंदर धर्म होता है। उपासना का अर्थ होता है सरकना, निकट जाना। और कहां सरकना है हमें, तो कहते हैं हमारी बुद्धि ये जो संसार के बाहरी विषयों में लगी है, इन विषयों से अपनी अंदर की ओर सरकना। इसका अर्थ है बाहर से अंदर की ओर सरकना। फिर अंदर का अर्थ होता है अपने मन की ओर, मन से बुद्धि की ओर सरकना है, बुद्धि से अंतःकरण की ओर, और अंतःकरण से आत्मा की तरफ, और आत्मा से परमात्मा की ओर जाना, ये है उपासना पद्धति। इसलिए जो भक्त होते हैं वो सेवा करते हैं, और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्मज्ञ इस समय कौन है, ये तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी कि उपकार मानने वाले। भगवान कहते हैं इस संसार में दो व्यक्तियों का उद्धार कोई नहीं कर सकता है, और वो दो व्यक्ति कौन है? सबसे पहला व्यक्ति है गुरुद्रोही, जो अपने गुरु से द्रोह करता है, अपने गुरु की अवज्ञा करता है, ये गुरुद्रोही व्यक्ति है। और दूसरा व्यक्ति है उपकार को भूलने वाला व्यक्ति। यदि हम किसी का अच्छा करते हैं और फिर भी वह याद नहीं रखता है, भूल जाता है, तो इन दो व्यक्तियों का उद्धार कभी नहीं हो सकता है। देखिए भारतवर्ष में तो साधु बहुत है, और यदि आप उन साधुओं के समाज में जाते हैं तो वह साधु जब अपना चप्पल निकालते हैं ना, तो उस चप्पल का भी आभार व्यक्त करते हैं। कहते हैं यदि तू नहीं होती तो हमारे पैर घिस जाते, तो चप्पल को निकाल के समय उस चप्पल का भी आभार व्यक्त कर। ये साधुता है भारतवर्ष की, ये कृतज्ञता है कि कोई छोटे से छोटा उपकार भी हम पर करता है तो हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए। राम कृतज्ञ है अपने पिता के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, अपने भक्तों के प्रति। तो ये लक्षण भी भगवान राम में घटित होता है। तो ये भी हम रामायण के आगे के प्रसंग हमें यही देखना, ये 16 लक्षण जो यहां पर बताए जा रहे हैं, आगे चलकर जो हम कथा सुनने वाले उन कथाओं में यही लक्षण हमें देखने हैं कि कौन सी लीला में भगवान के कौन से गुण प्रकट हो रहे हैं, भगवान ने किस गुण का प्रदर्शन किया है। तो राम कृतज्ञ है, सत्य वाक्य जो सत्य के लिए कटिबद्ध है। देखिए सत्य का पक्ष जो है ना ये हमेशा छोटा होता है, और असत्य का पक्ष जो है ये बहुत बड़ा होता है। ये कलयुग का ऐसा स्वभाव है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। इसलिए हमारे संस्कृत सुभाषितों में है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है। हम लोग सत्य को क्या मानते हैं पता है? हम मानते हैं कि सत्य जो होता है ना ये केवल बोलने में होता है, हमारा सत्य केवल बोलने तक सीमित है कि बस यदि हम कुछ सही बोल रहे तो वो सत्य है बस। नहीं, सत्य जीवन पर आकर खड़ा रहता है। हमारा पूरा जीवन जो है उसमें सत्य होना चाहिए, केवल बोलना सत्य नहीं होता है। और सच बोलना तो बहुत आसान होता है यदि वो दूसरों के विषय में है। किसी दूसरों का कुछ सच यदि हमें पता चले और उस सच को यदि किसी के सामने रखना है तो उसमें तो हमारे 32 मुख हो जाते हैं।
लेकिन अपना सच जब बोलने की बारी आएगी तो वो हम नहीं बोल पाते हैं। हमारी विचार शैली, जीवन शैली और संबंध शैली सत्य के ऊपर होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा कहते हुए सुना होगा कि सत्य बहुत कड़वा होता है। तो कभी कभी हम लोग विचार करते हैं इस बात पर कि सत्य जो है ये कौन है। सत्य शब्द भागवत में भगवान के लिए आया है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक जिसमें व्यास जी लिखते हैं सत्यम परम धीमहि, भगवान का पहला नाम श्लोक में सत्य बताया गया है। और देवताओं ने जब भगवान की गर्भ स्तुति की तो उसमें भी कहते हैं सत्य परम त्रिसत्यम, वहां भी एक श्लोक में 9 बार भगवान को सत्य संबोधन किया गया है। समझने की बात यह है कि सत्य यदि ईश्वर है, सत्य यदि भगवान है, तो वो कड़वे कैसे हो सकते हैं। हमारे जो आचार्य है वल्लभाचार्य, वो क्या कहते हैं, मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। ये जो हमारे भगवान है ना, उनका सब कुछ मधुर है। तो भगवान सत्य स्वरूप है ये भागवत कहता है, तो ये भगवान कड़वे कैसे हो गए। सत्य कभी कड़वा नहीं होता है, लेकिन हमारा जो स्वार्थ होता है ना, ये स्वार्थ सत्य को कड़वा बना देता है। स्वार्थ को बीच में रखकर यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलता है या उस सत्य को सुनता है, तो वो सत्य हमेशा कड़वा लगेगा। लेकिन उस सत्य से यदि स्वार्थ को हटा दिया जाए और फिर यदि कुछ बोला जाए, तो वो मधुर ही लगता है। सत्य ईश्वर के समान लगता है, इसलिए भागवत में प्रथम नाम आया है भगवान का सत्य। तो ये सत्य भी राम के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। छठा गुण है दृढ़ व्रत। दृढ़ व्रत का अर्थ होता है जो एक बार प्रतिज्ञा ले लेता है फिर उसका जीवन भर पालन करता है। एक बार भगवान ने निश्चित कर लिया कि वन में जाना है तो जाना है, फिर किसी की बात नहीं मानी भगवान ने, न अपने पिता की, न गुरु की, न माता की, न प्रजा की, किसी की बात नहीं सुनी भगवान ने, वो वन में चले गए। और रघुवंशियों में तो प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार जो वचन ले, अपना जीवन देकर भी उस वचन की रक्षा करते हैं। तो ये गुण भी भगवान के अंदर है, उनकी वनवास लीला में देखा गया है। 7वां गुण बताया गया है चारित्रेण, चरित्रवान। चरित्र शब्द जो है इसको भी जब हम बोलते हैं या सोचते हैं तो हमारे मन में संबंध आता है, एक पुरुष और एक स्त्री का संबंध। और उस संबंध में जो कुछ ईमानदारी होती है उसको हम चरित्रवान कहते हैं। लेकिन हमें देखना, चरित्र केवल संबंध तक सीमित नहीं होता है। चरित्र का अर्थ होता है हमारे निजी जीवन की पवित्रता। हम अपने पर्सनल जीवन में कितने पवित्र है, हमारा मन कितना शुद्ध है, हमारी बुद्धि कितनी शुद्ध है, इसी के आधार पर निश्चित किया जाएगा ये चरित्रवान शब्द। और आपकी नजर में आप क्या है, आपको आपका जजमेंट खुद लेना है, दूसरों से नहीं लेना है। ये दूसरे व्यक्ति को जाकर नहीं पूछना है कि प्रभु जी हम चरित्रवान है कि नहीं, बताइए हमारा चरित्र आपको कैसा लगता है। ये दूसरों से पूछने से नहीं पता चलेगा, ये हमें अपने आप को खुद को पूछना है। यदि समाज को पूछने जाएंगे तो पता नहीं वो कहां से कहां पहुंचा देंगे। एक बार पिता पुत्र दोनों ऊंट को लेकर जा रहे थे, तो एक गांव से जब वो निकले तो गांव में कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा रे देखो साथ में ऊंट है फिर भी दोनों चलकर जा रहे, कितने मूर्ख व्यक्ति है। तो वो जो पिता और पुत्र थे उन्होंने सोचा कि अरे बात तो ठीक है, अब ये लोग कह रहे हमारे पास जब ऊंट है तो चलकर क्यों जाए। तो पुत्र ने कहा पिताजी आप ऊंट पर बैठ जाइए, मैं नीचे चलता हूं। तो दूसरा गांव आया, वहां भी कुछ लोग बैठे थे, देखे देखो 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 कैसा समय आ गया, बाप इतना बड़ा है और बेटा इतना छोटा है, फिर भी बाप ऊपर बैठा है और बेटे को नीचे बैठाया है। तो उस व्यक्ति को मन में नहीं, ये बात भी तो सही है, मैं बड़ा हूं मुझे नीचे चलना चाहिए, तो छोटा है मेरा बेटा उसको ऊपर बैठाना चाहिए।
तो चलते गए, तीसरे गांव में प्रवेश किए। अब जब तीसरे गांव में गए तो वहां भी कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने कहा देखो अरे घोर कलयुग है, क्यों पिता नीचे चल रहा है बेचारा, और ये पुत्र देखो उसे तो पिता की सेवा करनी चाहिए, पितृदेवो भव, और ये है कि ऊंट के ऊपर जाकर बैठा है और पिता नीचे चलता है। जब ये सुना तो उस व्यक्ति ने अब दोनों ऊंट के ऊपर बैठेंगे। तो जब चौथे गांव से निकले तो वहां भी कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा अरे देखो इनमें दया नाम की कोई चीज है ही नहीं, बेचारा ऊंट अकेला है और दोनों उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए, है ना। अब वो सोच में पड़े क्या करे। अब अलग अलग लोग, ये समाज का स्वरूप बताया गया है, ये जो एग्जाम्पल है ये आपने कई बार सुना भी होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल समाज की वास्तविकता को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए हमारा जो जजमेंट है ये हमें खुद लेना चाहिए, समाज की अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि एक दिन वो आपको अच्छा कहते हैं तो दूसरे दिन बुरा भी वही कहेंगे। अपनी नज़र से देखना है और हमारी नज़र विवेक से युक्त होनी चाहिए तो हम अपने आप को चरित्रवान बना सकते हैं। लेकिन इस समय जो चरित्रवान व्यक्ति है वह है भगवान राम। आगे उत्तर कांड में प्रसंग है कि जब भगवान राजा बने और उनको यज्ञ करना था तो सीता जी की आवश्यकता, अब सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में है, तो फिर उन्होंने एक सुझाव प्राप्त किया अपने गुरु से कि दूसरा विवाह कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने नहीं किया। तो संबंध से भी यदि चरित्र को देखा जाए तो एक पत्नी व्रत भगवान राम में सार्थक है। और सर्वभूतेषु को हितः, सभी जीवों का हित हो, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना जिस व्यक्ति में हो कि मेरे से कोई दुखी नहीं होना चाहिए, ये भाव जिस व्यक्ति का है ऐसा कौन व्यक्ति है। देखिए दूसरे लोग दुखी हो और मैं सुखी हो जाऊं ये विकृति है, मैं सुखी रहूं तुम भी सुखी रहो ये प्रकृति है, थोड़ा मैं दुखी रहूं फिर भी आप सुखी रहो ये भारत की संस्कृति है। तो हमें देखना है कि हमें किस में जाना है, कि हम दुखी हो जाए और दूसरा सुखी हो जाए ये अच्छा है, दूसरा व्यक्ति दुखी हो और मैं सुखी हो जाऊं, या फिर मैं भी सुखी रहूं तुम भी सुखी रहो, तीन चीज है। लेकिन भारतीय संस्कृति तो यही है कि हमें भले थोड़ा कष्ट मिले लेकिन सामने वाला व्यक्ति सुखी होना चाहिए। तो सभी जीवों का हित करने वाला व्यक्ति, नौवा लक्षण है विद्वान। विद्वान का अर्थ होता है विद्यावान, ज्ञानवान शब्द अलग होता है, ज्ञान और विद्या में अंतर होता है। लेकिन जब एक ही शब्द का पर्याय तो उसमें थोड़ा अर्थ भेद रहता है। जैसे समुद्र है, समुद्र का दूसरा नाम रत्नाकर भी है, लेकिन जब रत्नाकर शब्द का प्रयोग होता है तो एक स्पेशल अर्थ निकलता है जिससे रत्न प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही विद्वान व्यक्ति उसे कहते हैं जो पढ़ा लिखा है, ज्ञानवान वो है जो बौद्धिक है, और विवेकी वो है जिसमें सही और गलत का भेद करने की क्षमता होती है। तो यहां पर पढ़े हुए लोगों के विषय में पूछ रहे हैं। दसवां लक्षण है सामर्थ्यवान। सामर्थ्य का अर्थ होता है कि हमारी पहुंच इतनी होनी चाहिए कि हमारे नाम से ही सब काम हो जाए। तो ये तो भगवान के अलावा और कौन हो सकता है कि जिसका नाम लेने मात्र से जीव भव सागर पार हो जाता है। तो इतना सामर्थ्य संसार में और किसी में नहीं है। और सही सामर्थ्यवान व्यक्ति वो है कि एक सड़क के किनारे बैठने वाला व्यक्ति भी, एक भिखारी के लेवल का व्यक्ति भी उनसे बातचीत कर सकता है। ये असली सामर्थ्य। असली सामर्थ्य वो नहीं होता है कि छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से कभी नहीं मिल सकता है। उत्तर रामायण में देखेंगे एक प्रसंग और भी कि एक कुत्ता भगवान राम के दरबार में आकर अपना कुछ प्रॉब्लम जो था, कुछ समस्या थी, भगवान के साथ एक कुत्ते को भी अधिकार था कि वो अपने राजा के पास जाकर अपना कंप्लेन कर सकता है। ये होता है
असली सामर्थ्य। 11वां है कश्चक प्रिय दर्शना, यानी कि जिनको देखने से वो हमें प्रिय लगे, अपने लगे, जो सहज हो, जो सरल हो। सहज का अर्थ होता है नेचुरल और सरल का अर्थ होता है विनम्र। ऐसे व्यक्ति नहीं कि जब तक हमारी कथा में 10,000 लोग नहीं बैठेंगे तब तक हम बोलेंगे ही नहीं, 10 आदमी है तो भी बोलेंगे, 10,000 हो तो भी बोलेंगे। ऐसा व्यक्तित्व कि वो कहीं भी जाए सभी जीव उनसे प्रेम करते हो। 12वां लक्षण बताया है आत्मवान। आत्मवान का अर्थ होता है जो कुछ भी करने से पहले अपनी स्थिति पर विचार करता है। धैर्यवान मन और बुद्धि का उपयोग करके कार्य करता है, इसलिए वो कभी दुखी नहीं होता है। लेकिन जिनमें धैर्य नहीं है ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। तो ऐसा आत्मवान व्यक्ति कौन है? भगवान राम है। 13वां लक्षण कहते हैं जित क्रोध हो। जिन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया है, हमारा तो ये है कि हम अपना क्रोध दूसरे के ऊपर और दूसरों का अपने के ऊपर लेते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने क्रोध को जीत लिया है वो है भगवान राम। द्युतिमान यानी जिनकी कांति वो सूर्य के समान होती है। अनसूयक जो कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं। देखिए दो चीज है, एक देना है और एक लेना है। प्रशंसा जो है वो देने के लिए है और निंदा जो है वो लेने के लिए है, लेकिन हम लोग इसका प्रयोग ठीक नहीं करते हैं। हम प्रशंसा लेते हैं और निंदा देते हैं, हालांकि यहां पर विपरीतता है। प्रशंसा जो है वह देने के लिए होती है, अमानी न मान देना, और निंदा जो है कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है उसको लेना है हमें, लेकिन हम उसको देते हैं, हम निंदा कर देते हैं और प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इसका प्रयोग यदि कोई सीख गया तो इसके लिए भी भजन बहुत सरल हो जाता है। और 16वां कहते हैं कस्य बिभ्यति देवा जात रोषस्य संयोग। और एक ऐसा व्यक्ति जिनसे युद्ध करने में साक्षात देवताओं को भी भय लगे, तो बताइए इस लोक में इस समय ऐसा कौन व्यक्ति है? तो उनका उत्तर है राम। और उसके बाद नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को संक्षिप्त रामायण सुनाई, जो कल हमने चर्चा की थी। नारद जी से जो राम कथा वाल्मीकि जी ने सुनी और उसी राम कथा का चिंतन करते करते और ये जो मां निषाद वाला जो श्लोक है उसका विचार करते करते बहुत अच्छी तरह से साक्षात्कार करते हुए वाल्मीकि जी समाधि में लीन हो गए। और समाधि में लीन होकर उन्होंने क्या देखा कि रावण मरा हुआ पड़ा है, मंदोदरी विलाप कर रही है, ये जो सारी जो लीलाएं थी ये सारी लीलाएं उन्होंने देखी और उन लीलाओं का वो अनुसंधान करने लगे। और उसी समाधि के अंदर ही उन्होंने पूरी रामायण का साक्षात्कार किया। जो लोग जितनी भी चेष्टा कर रहे थे, सोच रहे थे, उन सारी चीजों का अनुभव किया। जैसे हम लोग जब टीवी देखते हैं तो देखते हैं ना, टीवी में कोई व्यक्ति कुछ सोच रहा है तो वो क्या सोच रहा है ये भी हम लोग सुन सकते हैं टीवी में जब देखते हैं तब। उसी प्रकार से समाधि में वाल्मीकि जी ने जब पूरी रामायण का दर्शन किया और रामचरित का यथार्थ दर्शन करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसे एक काव्य का रूप दूंगा। तो जिस क्रम से नारद जी ने राम कथा का वर्णन किया था उसी क्रम से भगवान राम के जन्म से लेकर सीता जी के वनवास तक की कथा उन्होंने लिख डाली। और कुछ लीलाएं ऐसी थी जो फ्यूचर में होने वाली थी, क्योंकि अभी तो सीता जी उनके आश्रम में थी, तो उनके बाद जो आने वाली जो लीला थी, जो उत्तर कांड है, वो भविष्य की कुछ लीलाओं को उन्होंने वर्णित किया। और शायद इसीलिए कुछ लोगों को ऐसा भ्रम हो गया कि भगवान राम के आने से पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण का लेखन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लीलाओं को
उन्होंने थोड़ा आगे लिखा था, वो लीला होने से पहले पहले। तो रामायण का एक महाकाव्य उन्होंने तैयार किया, चतुर्विंश सहस्त्राणि श्लोकानाम उक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान पंच षट कांडानि तथोत्तरम, 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 6 कांड के साथ एक एक्स्ट्रा कांड लिखा गया उत्तर कांड, यानी कि टोटल 7 कांड। तो ये है रामायण का स्वरूप। रामायण में 24,000 श्लोक है और 500 सर्ग, सर्ग माने वो प्रकरण चैप्टर जो होते हैं, और 6 कांड है। जैसे भागवतम में स्कंद है, ऐसे रामायण में कांड होते हैं। कांड माने कोई कौभांड नहीं है, कांड का अर्थ होता है विभाग, जो 6 विभाग 7 विभाग जो बनाए गए वाल्मीकि रामायण के, उसको कांड कहते हैं। तो कृत्वा तु तन महाप्राज्ञ सब भविष्यम सहोत्तरम चिंतयामास कौन वेतत प्रयुंजियादिति प्रभु। संपूर्ण रामायण की रचना तो हो गई, लेकिन अब रचना करने के बाद वाल्मीकि जी विचार कर रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस महाकाव्य का अध्ययन करके इसे जन समुदाय में सुना सके या इसका प्रचार कर सके। रचना तो वाल्मीकि जी ने कर दिया, लेकिन प्रचार करना ये अब उनके बस में नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी। और जब वो बैठकर सोच रहे थे, उसी समय लवकुश वहां पर आकर वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं। तब वाल्मीकि जी के मन में, हाँ, इन दोनों को यदि रामकथा सिखाया जाए तो ये अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। तो ये जो वाल्मीकि के रामायण है, जिनका आधार लेकर हम रामकथा का आरंभ किए हैं, ये रामायण का क्रम थोड़ा विचित्र है, क्योंकि वाल्मीकि के रामायण की जो कथा है ये सीता जी के वनगमन से आरंभ होती है। और ज्यादातर रामचरितमानस यदि आप देखेंगे तो उसमें राम के जन्म से कथा आरंभ होती है, यहां सीता जी का वनगमन, वहां से कथा प्रारंभ हो रही है। और सीता जी का ये जो वनगमन प्रसंग है, लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं पैदा करता है। लोग सोचते हैं कि राम का जो गृहस्थ जीवन है वो कैसा रहा होगा, तो ये अपनी जो कल्पना है वो इसी प्रसंग के साथ जोड़ते हैं। लेकिन हमारा विचार ये है कि इस घटना पर विचार करने से पहले हमें रामायण की और लीलाओं पर भी विचार करना चाहिए। सीता जी क्यों वन में गए, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि भगवान राम ने उनका त्याग कर दिया या और कोई कारण था। तो देखिए, भगवान राम और सीता जी के बीच में कोई मतभेद नहीं था, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी जो वो एक दूसरे को नहीं समझते थे। राम के लिए सीता जी वन में गए हैं और सीता जी के लिए भगवान गए थे लंका तक, उन्होंने पुल बांधा। तो ये जो प्रेम है दोनों में, ये प्रेम समझने लायक है। कुछ लोग कहते हैं कि सीता जी का तो रामायण में बहुत शोषण हुआ है। सीता जी शोषित नहीं है, ये तपस्वी है और ये राम को प्रेम करती है। तो प्रश्न हो सकता है, तो फिर वो वन में क्यों गए। सीता जी का वन में जाने का कारण था, वह अपनी स्वतः इच्छा से वन में गई है। प्रसंग कुछ इस प्रकार हुआ था कि भगवान राम जब अयोध्या में राजा बने तो भगवान अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, और राजा भी थे तो राजधर्म का भी उतना ही अच्छे से पालन करते थे। और उन्होंने प्रजा में अपने दूत भी भेज के रखे थे कि प्रजा उनके विषय में क्या सोचती है। एक राजा का असली लक्षण यही होता है कि वो समझे कि प्रजा का उसके विषय में क्या विचार है। तो एक गुप्तचर ने आकर भगवान से कहा कि प्रभु, एक ऐसी बात सामने आई है, कैसे आपको कहूँ, ये भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर भी भगवान ने उसको अभय वचन दिया कि तुम निश्चित होकर बताओ। तब कहा कि हमारे नगर का एक धोबी है और धोबी के मन में ये विचार आया है कि माता सीता पवित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रावण के यहां रहकर आई है, इसलिए। अब ये प्रसंग में बहुत समझने लायक सिद्धांत है कि क्या एक गुप्तचर ने आकर कहा कि धोबी ऐसा सोच रहा है, तो क्या एक धोबी के सोचने पर
राजा को अपनी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए? क्या यह उचित है? हम भगवान की दृष्टि से नहीं देख रहे इस प्रसंग को। देखिए, भगवान राम एक राजा है, सीता जी उनकी पत्नी है, और धोबी के मन में यदि संशय है तो क्या पत्नी का त्याग करना उचित है? यह तो बिल्कुल उचित नहीं है। पर भगवान क्या सोचते हैं इस विषय में? भगवान कहते हैं कि एक सामान्य धोबी यदि राज्य की महारानी के विषय में यदि कोई प्रश्न उठा रहा है, इसका अर्थ यह है कि इसके ऊपर की जो कैटेगरी है, यानी कि वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इन लोगों में तो ये बात कितने लेवल पर फैली होगी, तब जाके एक धोबी भी साहस कर रहा है अपने राज्य की महारानी के विषय में आक्षेप करने के, उनके चरित्र पर आक्षेप करने का। और हम लोग क्या समझते हैं, क्या मानते हैं कि धोबी के कहने से भगवान राम ने सीता जी का त्याग किया है? नहीं, देखो भगवान राज धर्म के विषय में क्या सोचते हैं, कितनी सुंदर सोच है भगवान की, क्योंकि धोबी तो शूद्र कैटेगरी में आता है ना। अब देखिए, एक शूद्र यदि अपनी रानी के चरित्र के ऊपर उंगली उठा रहा है, इसका अर्थ क्या है कि इसके ऊपर के वर्ण वाले जो लोग हैं वो भी इस बात से सहमत हो चुके हैं, और प्रजा की बात से ही यदि उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया, प्रजा को भगवान इतना ही यदि मानते थे, तो ये वही अयोध्या की प्रजा है जब भगवान राम वन में जाने के लिए निकले थे, तो ये वही प्रजा है जो उनको रोक रही थी कि प्रभु रुक जाइए, तब तो भगवान नहीं रुके इस प्रजा के कहने से। तो आज धोबी के कहने से सीता जी को कैसे त्याग करते थे? और कैकेयी के अलावा तो किसी ने भगवान को कहा भी नहीं था आप वन में जाइए, केवल एक व्यक्ति अयोध्या में कैकेयी ने कहा था कि आपको जाना है वन में, तो भगवान चले गए। तो उस समय रोकने वाले तो हजारों लाखों लोग थे, फिर भी भगवान नहीं रुके, फिर भी वो वन में चले गए। तो ये जो प्रसंग है ये निश्चित करता है कि किसी के कहने से भगवान ने सीता जी का त्याग नहीं किया है। यहाँ पर वास्तविकता ये है कि जानकी जी गर्भवती है, कुश और लव उनके गर्भ में है। ऐसे तो हम बोलने में लव कुश बोलते हैं, लेकिन कुश जो है वो बड़े है और लव छोटे है। और वाल्मीकि रामायण में वर्णन इसी तरह कुशी लवो लिखा गया है, लवकुश नहीं है। तो ये दोनों माता सीता के गर्भ में है। ये समय बहुत महत्वपूर्ण था, क्यों? क्योंकि गर्भ में जो बालक होते हैं उन बालकों के लिए प्रथम यूनिवर्सिटी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी यदि कोई है तो वो है माँ। अब देखिए, प्रहलाद महाराज भी जब माता के गर्भ में थे तभी उन्होंने नारद जी से श्रवण किया है, अभिमन्यु जब माता सुभद्रा के गर्भ में थे तभी उन्होंने भगवान कृष्ण से सारी विद्या प्राप्त की थी। तो गर्भ जो है ये प्रथम यूनिवर्सिटी है, और यहां पर भगवान राम कहते हैं ये मेरे बच्चे नहीं है, ये सूर्यवंशी है, ये सूर्यवंश को आगे बढ़ाने वाले हैं। और ये समझने का विषय होता है, इस संसार में लोग बच्चे पैदा करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो वंशज पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करना और वंशज पैदा करने में क्या अंतर होता है? बच्चे पैदा करने का अर्थ होता है जैसे कोई भी करता है वैसे सब लोग कर देते हैं, लेकिन वंशज का अर्थ होता है कि उसके वंश की जो संस्कृति है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो स्वाभिमान है, उन गुणों का भी उन बालकों के अंदर पोषण करना, उनमें वो संस्कार होना चाहिए। तो ये दोनों सभ्यताओं में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। एक व्यक्ति बच्चे को जन्म देता है अपने घर के लिए कि चलो हमारे बच्चे होंगे, हमारा बिजनेस संभालेंगे, फिर हम बूढ़े होंगे तो हम सुखी रहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जन्म देता है अपने बच्चे को पूरे विश्व के लिए या अपने राष्ट्र के लिए। तो भगवान राम जानते थे कि मैं राजा हूं और मेरे जो पुत्र है ये भी राजा बनेंगे, और राजा का प्रथम कर्तव्य होता है प्रजा का सुख, भगवान को यह बहुत अच्छे से पता है। और सूर्यवंश में तो ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं कि एक एक राजा के ऊपर एक एक कथा लिखी जा सकती है, इतने इतने पराक्रमी राजा है। और उन राजाओं के हम आज भी ऋणी हैं, जैसे यदि महाराज भगीरथ की बात हम करें तो आज इस पृथ्वी पर जो गंगा जी बह रही है ना, ये इसी सूर्यवंश के राजा भगीरथ के कारण ये संभव हुआ है। यदि राजा भगीरथ तपस्या नहीं करते, माता गंगा को प्रकट नहीं करते,
तो आज हमें गंगा जी का ये भगवान के चरण जल का लाभ हम सामान्य जीवों को कैसे प्राप्त हो सकता था। तो राम सोच रहे हैं कि सीता यदि इस समय यहाँ पर रहेंगे और मान लीजिए उनके कान में ये बात गई कि लोग उनके पर चरित्र पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो हो सकता है सीता जी अपने गर्भ का त्याग कर दें, या तो उन आघात के कारण उनका गर्भपात हो जाए। और मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये बालक प्रकट हो गए तो उनका मन कैसा होगा। सीता जी का शोषण हुआ है, लेकिन ये शोषण किसने किया है? ये समाज ने किया है, भगवान राम ने नहीं। और ये समाज ऐसा ही है, कितने लोगों की बलि ले चुका है ये समाज अपनी बातों से, अपनी निंदा से। तो भगवान ने सोचा हो सकता है कि आघात लगने से गर्भपात हो जाए, या तो इस बच्चे के मन पर कुछ प्रभाव पड़े। क्यों? क्योंकि यही तो वो बच्चे हैं जो आगे चल के राजा बनेंगे, इसको प्रजा का पालन करना है। और यदि उसको पता चला कि जिस प्रजा का हम पालन करने जा रहे हैं, इसी प्रजा ने हमारी माँ के चरित्र ऊपर प्रश्न उठाया था, तो हो सकता है ये दोनों भाई मिलकर सारी प्रजा को ही समाप्त कर दे। और ये सब विचार करने के बाद भगवान राम ने सोचा कि ये अयोध्या सीता जी के रहने के लायक नहीं है, अयोध्या में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो माता सीता को इस समय पर अपने पास रख सके। सीता जी के रहने के लिए इस जगत में यदि कोई उपयुक्त स्थान है तो वह है वाल्मीकि जी का आश्रम। आश्रम का अर्थ हमें यह नहीं समझना चाहिए कि जहां कुछ सुविधा नहीं होती है। आश्रम केवल एक बिल्डिंग नहीं होता है, जैसे हम लोग गृहस्थ है तो उसके पीछे भी आश्रम शब्द लगता है, गृहस्थाश्रम। लेकिन यह गृहस्थाश्रम कब बनता है? जब इस गृहस्थ में पत्नी और बच्चों के साथ कोई भगवान का भजन करता है तो यह गृहस्थी भी आश्रम मानी जाती है। ऐसा स्थान जहां पर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है उसको आश्रम कहा जाता है। तो भगवान राम ने निर्णय किया कि मेरे जो आने वाले बालक है ये प्रजा के पालक होने चाहिए। ये बच्चे मुझे भले खराब कहे कि हमारे पिताजी ने हमारी माता का त्याग कर दिया, लेकिन प्रजा के तो पालक होने ही चाहिए। तो एक प्रश्न हो सकता है, तो फिर भगवान राम को भी जाना चाहिए था। जो दूसरों के लिए जीते हैं उन्हीं का इतिहास लिखा जाता है, अपने स्वार्थ के लिए जीने वालों का कभी कोई किताब, कोई इतिहास नहीं होता है। भगवान राम ने निश्चय किया कि सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ना है, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को पसंद किया। लक्ष्मण जी को बुलाकर जब ये बात कही भगवान ने, लक्ष्मण जी को लगा कि अब तक जीवित क्यों हूं मैं, अच्छा होता कि ये सुनने से पहले हमारी मृत्यु हो जाती। लेकिन भगवान के सबसे निकटतम सेवक है, तो भगवान ने जब ये कार्य दिया उनको, और सीता जी को भी भगवान ने कहा जाकर कि तुम्हारी इच्छा थी कि जो सारे ऋषि मुनि आश्रम में रहते हैं उनके आश्रमों को जाकर देखना है, वहां पर विचरण करना है, तो आज लक्ष्मण जी आपको आश्रम घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। तो सीता जी बहुत प्रसन्न थी, वो रथ में बैठी और लक्ष्मण जी उनको लेकर पूरा दिन सभी आश्रम दिखा रहे, और फिर संध्या के समय जब वाल्मीकि जी के आश्रम तक पहुंचे और वहां जाकर लक्ष्मण जी ने कहा कि माता, प्रभु के द्वारा आपका त्याग किया गया है, आपको छोड़ दिया गया है। सीता जी को बहुत दुख लगा उस समय और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, और वो आंसू धीरे धीरे उनकी गाल से होते हुए जब नीचे आ रहे थे, और उसी समय वाल्मीकि जी को पता चल गया। वाल्मीकि जी दौड़ते हुए वहां पर आए और सीता जी के आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया, क्योंकि उनको पता था कि यदि सीता जी का आंसू उस जमीन पर गिर जाता तो उसी दिन धरती फटती और सीता जी उसमें समा जाती। वाल्मीकि जी तो त्रिकालज्ञ थे ही, तो अपने कमंडल में उन अश्रुओं को धारण कर लेते हैं। और सीता जी का ये जो शोक है,
पहले शोक हुआ वाल्मीकि जी का, तो वाल्मीकि जी का शोक एक श्लोक का रूप धारण कर लेता है। अनुष्टुप छंद में जो श्लोक प्रकट हुआ, इसको हम श्लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शोक से प्रकट हुआ है, इसलिए इसको श्लोक कहा गया है। और सीता जी का यहां पर जो शोक है, जो विलाप है, यही रामायण के रूप में प्रकट हुआ है। गर्भ के समय स्त्री चाहती है कि वो शांत रहे, और इसलिए वो अपने मायके चली जाती है। तो यहां पर सीता जी को आश्रम में लेकर आए वाल्मीकि जी। लक्ष्मण जी वहां से वापस आ गए। सीता जी जब आश्रम में आई, वाल्मीकि जी ने उनको कथा सुनाई, और प्रतिदिन वाल्मीकि जी उनको कथा सुनाते थे, कथा लिखते जाते थे। और यही समय है जब रामायण का निर्माण हुआ है, ये उसी टाइम पर हुआ है, ये राम कथा का समय। तो सीता जी के मन में कोई प्रश्न भी नहीं था, जैसे लोग कहते हैं ना कि अब अचानक से भगवान ने त्याग कर दिया, तो सीता जी के मन में कोई कंप्लेन नहीं थी। सीता जी ने लक्ष्मण जी को इतना ही कहा कि जिस प्रजा के लिए भगवान ने मेरा त्याग किया है, प्रभु को कहना कि उस प्रजा के प्रति मन में कोई संदेह या संशय न रखे, और एक पिता की तरह उस प्रजा का पालन करे। ना ही उन माता सीता को भगवान राम से कोई कंप्लेन थी, और ना ही अयोध्या की प्रजा से कोई कंप्लेन है। ये जब ये प्रसंग हम पढ़ते हैं तो हमें बात पता चलती है। यहां पर लोग कहते हैं कि सीता जी का त्याग हो गया, स्त्री का शोषण हो गया। जो ठीक रूप से इन शास्त्रों को नहीं जानते वो लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। तो इसी तरह कथा सुनते सुनते सीता जी वहां पर समय व्यतीत कर रही है। जब प्रसव का समय आया तो एक और कंफ्यूजन हो गया। क्या? अभी जिस आश्रम में वो रहती है वहां पर आसपास का वातावरण था, सब ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे। सीता जी के मन में कुछ भय उत्पन्न हुआ कि यहां पर सभी ब्राह्मण है, तो हो सकता है कि मेरे जो आने वाले पुत्र है उसमें ब्राह्मणत्व का गुण प्रधान हो जाएगा। तो सीता जी को चिंता थी कि यदि इसका लक्षण चेंज क्या करना, एक क्षत्रिय होने चाहिए क्योंकि राजा के पुत्र है, इसलिए किसी क्षत्रिय का वहां पर उपस्थित होना जरूरी था। तो सीता जी के मन में ये जब चिंता हो रही थी, तो अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या में एक समाचार आया कि मथुरा नामक नगर में लवणासुर नामक एक असुर रहता है, और उसका इतना अत्याचार बढ़ चुका है। तो भगवान राम ने शत्रुघ्न जी को वहां पर भेजा। शत्रुघ्न जी को कहा कि तुम जाओ, लवणासुर का वध करो और मथुरा का जो आतंक है उसको समाप्त करो। तो मथुरा को सुरक्षित करने के लिए जब शत्रुघ्न जी अयोध्या से निकले, तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में है तो उनका दर्शन किया जाए। सीता जी के दर्शन के बहाने शत्रुघ्न जी वहां पर आते हैं, और जैसे ही शत्रुघ्न जी को आता हुआ देखा, सीता जी की चिंता दूर हो गई। भगवान राम से भी अपने आप को भाग्यशाली मान रहे शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी का आगमन, यहां पर लवकुश का जन्म हो रहा है, और जन्म के बाद जो पहली बार उस बालक को अपने हाथ में लेता है या कुछ उसको पिलाता है, तो उन्हीं के लक्षण उस बालक में घटित होते हैं। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, हमारे शास्त्रों की एक प्रमाणित, एक साइंटिफिक विधि है, ये एक परंपरा है। कुछ लोग इन चीजों को नहीं जानते हैं, इसलिए वो कहते नहीं, ये देखो क्या सब लोग अंधश्रद्धा फैला रहे। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। शत्रुघ्न जी ने उनका जो प्रथम हाथ में लेने की जो विधि है, या कुछ एक पहला बूंद जो उनके मुख में डालना होता है, ये विधि शत्रुघ्न जी ने की, और अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली मानने लगे। और सीता जी को कहते हैं कि माता, आपने जो खुशी दी है मुझे आज, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं? तब माता सीता कहती है कि आज से ठीक 12 साल के बाद तुम वापस आओगे इसी समय पर, इसी स्थान में, और मेरे लिए
सफलता का मार्ग निश्चित कर दिया है माता आपने। सीता जी ने जब कहा ना कि 12 साल के बाद आपको आना है वापस इसी स्थान पर, इसका अर्थ क्या है कि शत्रुघ्न जी जाएंगे, लवणासुर का वध करेंगे, मथुरा पर विजय प्राप्त करेंगे, राजा बनेंगे और फिर उनको यहां पर लौटना है। तो देखो आशीर्वाद देने की विधि भी कितनी सुंदर है। सीता जी ने ऐसा कहा तब शत्रुघ्न जी ने कहा कि मैंने आपको जो वचन दिया है ये वचन ही मेरे विजय का प्रमाण है। तो 12 साल तक ये लवकुश का प्रशिक्षण चला वाल्मीकि जी के निर्देशन में, और जब ये प्रशिक्षण पूर्ण हुआ तब लवकुश ने कहा कि गुरुदेव हम आपको क्या दक्षिणा दे। तब वाल्मीकि जी ने कहा कि आप मुझे कथा दीजिए। तो लवकुश जो वाल्मीकि जी से राम कथा सीखे थे, वही आसपास में जितने आश्रम थे उन आश्रमों में जाते और उस कथा का गान करते। जो भी व्यक्ति लवकुश के मुख से ये राम कथा सुनता उसको इतनी प्रसन्नता होती, इतनी प्रसन्नता होती। और सबसे पहली राम कथा वाल्मीकि जी के आश्रम में ही हुई और वहां पर सभी ऋषि मुनि आए थे। कथा सुनकर उन्होंने बहुत सारे उपहार दिए लवकुश को, बहुत सारा गिफ्ट दिया और माता सीता ने उनको आलिंगन किया। अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि वन में तो बहुत प्रचार हो गया कथा का, अब तुम्हें जाना है अयोध्या में और अयोध्या में जाकर ये राम कथा सुनाओ। वास्तव में हम इसका नाम राम कथा देते हैं लेकिन वाल्मीकि जी ने जो लिखा है ये वास्तव में राम कथा नहीं, ये सीता कथा है। इसमें सीता जी के चरित्र का वर्णन है, रामचरित्र बहुत कम है और इसलिए शायद तुलसीदास जी ने रामचरित्र का वर्णन, उसका नाम दिया रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण यदि देखें तो वो सीता चरितमानस है। तो अयोध्या में ये दोनों भाई जब आ रहे हैं और अयोध्या में राजमार्ग पर चलते चलते रामकथा का गान कर रहे हैं, जब भगवान राम के पास ये समाचार पहुंचा कि कोई दो ऋषि कुमार है बहुत सुंदर कथा गाते हैं, तो अयोध्या के राजभवन में कथा की व्यवस्था हुई, सुंदर कथा का आयोजन किया गया और बहुत सुंदर राम कथा सुनाई। तब लवकुश को पूछा गया कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी का नाम है निर्दयी। जैसे ही शब्द उनके मुख से निकला भगवान राम ने कहा कि ये निर्दयी और कोई नहीं, ये मैं ही हूं। फिर भी भगवान ने संपूर्ण कथा जो है वो सुनी। तो यहां और एक शिक्षा है कि भगवान भी अपनी कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। देखिए भगवान भी चाहते हैं कि मैं अपनी कथा सुनूं। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी के द्वारा ये राम कथा का निर्माण किया गया और यही राम कथा लवकुश के माध्यम से प्रचार किया गया, जैसे व्यास जी के द्वारा भागवत लिखा गया और उसी भागवत का प्रचार प्रसार किसने किया, सुखदेव गोस्वामी ने। देखिए जो व्यक्ति लिखता है वो कभी प्रचार नहीं करता है, यानी कि जो प्रसाद बनाता है वो कभी परोसता नहीं है। बनाने वाले लोग अलग होते हैं, वितरण करने वाले लोग अलग होते हैं। ये बहुत जानना आवश्यक है ऐसा क्यों होता है। देखिए महाभारत हो, भागवत हो या रामायण हो, सभी के प्रचार में जो लिखने वाले व्यक्ति है वो खुद नहीं प्रचार करते इसका, ये अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं। और इसी प्रकार से ये कथाएं जन सामान्य तक यानी कि हमारे जैसे लोगों तक पहुंचती है। तो मनुष्यता जो है, मनुष्यता का जन्म होता है करुणा से। अब देखिए वाल्मीकि जी के अंदर जो करुणा थी उसी करुणा से ये राम कथा का जन्म हुआ है। माता सीता के हृदय में जो करुणा थी इसी करुणा से ये कथा का जन्म होता है। और इन दोनों की करुणा ही है कि आज ये राम कथा हमारे सामने है। और कारुण्यम संप्रकाशितम, मान लीजिए माता है, पिता है, गुरु है या कोई वक्ता है, इनमें से यदि हम करुणा निकाल ले तो फिर उसमें कुछ नहीं बचता है। एक वक्ता जब कथा कहता है तो वो केवल शब्द नहीं बोलता है, वो अपने हृदय के भाव को डालता है उसमें। ये कथा मन या बुद्धि से नहीं कही जाती है,
या तो आत्मा बोलता है इसलिए कथा नहीं निकलती है, या हृदय से जब परमात्मा प्रेरणा करते हैं, जब भगवान प्रेरणा करते हैं, तभी उनके विषय में बोलने का कुछ सामर्थ्य निकलता है, तभी उनके विषय में हम कुछ बोल सकते हैं। कविराज गोस्वामी कहते हैं, तार शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। भगवान की शक्ति के बिना भगवान का प्रचार कोई कर नहीं सकता है। माता काली की करुणा से कालिदास जी एक महान कवि बन गए, है ना। बहुत मूर्ख व्यक्ति थे कालिदास जी, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, और ये चार शब्द, और उन्होंने चार महाकाव्यों की रचना कर दी। जब एक पिता के हृदय में करुणा जगती है ना, तब वह अपनी कन्या का दान करते हैं, और ये करुणा ही स्नेह या प्रेम के रूप में प्रकट होती है। माता जानकी के हृदय में जो करुणा है, वो करुणा ही उनको वन में जाने के लिए प्रेरित कर रही है। वो वाल्मीकि जी के आश्रम तक पहुंची है अपने हृदय की करुणा से। राम उसको नहीं भेज सकते, या भगवान राम में वो सामर्थ्य नहीं था सीता जी को वन में भेजने का, ये उनकी करुणा। और सीता जी की हृदय की जो करुणा है, यही राम कथा के प्राकट्य का मूल कारण है। नहीं तो सोचिए, जिन्होंने अपने जीवन में चरण से ऊपर सीता जी को कभी देखा नहीं है, ऐसे लक्ष्मण भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? ये आदि गुरु तत्व है, वही जो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। और चैतन्य भागवत में लक्ष्मण जी का नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होने का एक कारण यह भी है, जो सीता जी को वन में भेजने के लिए बहुत सुंदर वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। लक्ष्मण जी जब सीता जी को छोड़ रहे थे ना, तब माता सीता ने कहा, लक्ष्मण मैं जानती हूं कि चरण से ऊपर तुमने मुझे कभी नहीं देखा है, लेकिन आज मैं तुम्हें कहती हूं कि तुम मेरे गर्भ को देखो। सीता जी कहती है लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी को लगा कि अभी यदि धरती जगह दे तो उसमें समा जाओ, ये सुनने से पहले जिस मां को चरण से ऊपर कभी नहीं, आज उसके गर्भ का दर्शन मैं करूं। लक्ष्मण जी ने पूछा, माता ऐसा क्यों? तब सीता जी कहती है कि एक प्रमाण होना चाहिए कि जब तुम मुझे आश्रम छोड़ने के लिए आए थे तब मैं गर्भवती थी, नहीं तो ये समाज मेरे ऊपर और भी कलंक लगाएगा जब मेरे इस पुत्रों का जन्म होगा। तो इससे लक्ष्मण जी को इतना दुख लगा कि उसी समय निश्चित कर लिया कि अगले जन्म में छोटा भाई तो बनना ही नहीं है, बड़ा बनना है। तो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए, कृष्ण लीला में बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। ये आदि गुरु तत्व है, और सीता जी की तुलना की गई है भक्ति के साथ। तो भक्ति को सही दिशा, सही सूचन, ये एक आदि गुरु तत्व ही दे सकता है। तो सीता जी ने लवकुश के रूप में अपनी करुणा प्रकट की है और रामायण उनको दी है। तो ये बहुत सुंदर ये प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में। तो ये जानना है हमें, कथा इसी प्रकार से सुनी जाती है, कथाओं के जो रहस्य होते हैं, कथाओं में जो अंतरंग भावों का सर्जन हुआ है, इसको यदि हम सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारी भक्ति का पोषण होता है, हमारी भक्ति खूब आगे बढ़ती है। कभी कभी लोगों के मन में इच्छा होती है कि कथा सुनते सुनते रोना भी आ जाता है। अच्छी बात है, रोने से मन स्वच्छ होता है, लेकिन हमें उन आंसुओं को थोड़ा बचा के भी रखना है। क्यों? क्योंकि जब कथा कृपा करती है तब व्यक्ति को रोने का भाव होता है। ऐसे ही भौतिक चीजों के लिए नहीं रोना है हमें, हमारे पास पैसा नहीं है, घर नहीं, ये नहीं है। कथा में जब कृपा प्राप्त होती है ना, और उस समय जब व्यक्ति रोता है, तो वह रोने से हमारे चित्त की शुद्धि होती है। जो महाप्रभु कहते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम, यह हमारा जो चित्त रूपी दर्पण है, यह रोने से शुद्ध होता है। और हमारी तो परंपरा ही रोने की है भाई। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने जाकर क्या कहते थे कि हे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, कहाँ है आप? सामने थे भगवान, लेकिन विरह भाव में है,
तो वो कहते कहाँ है, षड गोस्वामी अष्टकम में देखेंगे। तो हमारे षड गोस्वामी कभी ये नहीं कहते कि ये रहे भगवान कृष्ण, ये रही श्रीमती राधा रानी। वो कहते थे कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, ये भाव हमारे आचार्यों का है। और ये विरह भाव में जब कोई रोता है और इसके रोने से चित्त की शुद्धि तुरंत हो जाती है। जैसे किसी नल के नीचे घड़े को रखते हैं तो उनकी गंदगी अपने आप समाप्त हो जाती है, ऐसे ही किसी सदगुरु के शरण में या सदगुरु के आश्रय में यदि हम अपने आप को रख देते हैं तो वो हमारे मन को ऐसे ही स्वच्छ बना देते हैं। ये कथा भगवान के लिए है, संतों के लिए है, हनुमान जी के लिए है। इस कथा में अनुभव या तो संत कर सकते हैं या भगवान कर सकते हैं। नया नया कोई सुनने वाला है तो पता चल जाएगा कि हाँ ये नया श्रोता है, ये कथा सुनने का अनुभवी नहीं है। क्योंकि जो अनुभवी लोग सुनते हैं और नए लोग सुनते हैं, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। आजकल लोग गुरु तो धारण करते हैं लेकिन गुरु भी प्रभाव देखकर बनाते हैं, स्वभाव देखकर नहीं। और ये जो स्वभाव है ये रामायण का मूल है। राम के प्रभाव को सब लोग जानते हैं, ये भगवान है, बहुत बड़े हैं, इन्होंने रावण का वध किया, ये प्रभाव है भगवान का, ये प्रभाव सब जानते हैं। लेकिन रामायण में जो मूल विषय है ये है राम का स्वभाव। और देखिए प्रभाव कभी सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन स्वभाव कभी गलत नहीं हो सकता। तो यदि हमें भगवान राम का स्वभाव जानना है तो हमें इस राम कथा को जानना बहुत आवश्यक है। और ये जो राम कथा है इसका आरंभ हुआ है एक प्रश्न से, और वो प्रश्न क्या है, राम कौन है। बहुत सारे श्रोताओं ने अपने वक्ताओं से ये प्रश्न किया है राम कौन है, और इसी से कथा का आरंभ होता है। तो ये कथा आरंभ करेंगे हम कल के सत्र में। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।